खबर रायबरेली उत्तर प्रदेश से। घर से खेत के लिए निकले बुजुर्ग का 3 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं पता चल पा रहा। बुजुर्ग की तलाश कर रहे परिजनों का रो-रो के बुरा हाल है। मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे पदरे गांव का है, जहां पर बता दें कि दिनेश सिंह पुत्र स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह उम्र 62 वर्षीय बताई जा रही है, जो कि 28 मार्च को 3 बजे घर से खेत जाने के लिए निकले हुए थे। जब वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने दिनेश सिंह की खोजबीन शुरू की, किंतु कोई भी पता नहीं लगा। परिजन जब खेत की तरफ खोजने गए तो खेत के पास में दिनेश सिंह का कपड़ा, चप्पल और कुछ अन्य चीज़ें वहां पर मिली हुई। उसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और थाना अध्यक्ष समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। कुएं में गोताखोरों और कांटे से खोजबीन करवाई जा रही, लेकिन तो कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मौके पर सीओ सलोन अमित सिंह, थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम फोर्स के साथ ही मौके पर पहुंच चुके हैं। गोताखोरों के माध्यम से खोजबीन करवाई जा रही, लेकिन आज भी उन परिजन का कुछ भी नहीं पता लगा। क्या नाम है आपका? हरिजन सिंह। पिताजी का क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनबरसा जी। क्या मामला है भैया? मामला है हमारे मामा श्री हैं। हाँ जी। आज 3-4 रोज से गायब हुए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। जी। जब तक अच्छा बनियानी चप्पल सब एक कुआ के पास मिला हुआ है, और एक लोग को इसी कुआ से 10 कदम दूरी पे उनसे मुलाकात हुई है। भैया जी आपका जयकरण तेज बोलिएगा। क्या नाम है आपका? जयकरण। पिताजी का क्या नाम है? नाम श्री जंग बहादुर सिंह। कहाँ के निवासी हैं? ठीक है। क्या क्या मामला हुआ था आज यहाँ पर? 3 दिन से लापता है जी। कौन लापता है? खराब थी बड़े भाई जी। क्या नाम है उनका? दिनेश सिंह जी। क्या हुआ था कुछ बुरी बात बताइए? तबीयत गड़बड़ थी जी, और घर से निकले कि वहाँ पीटा जाट बाग में जा रहे हैं, सरसों पिटा हुए जी जी। जो घर पे लड़के थे पूछ रहे थे जी, और सरसों के लिए निकले हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पीटा जाट बाग में सरसों पिटाने, फिर वापस नहीं आए। शाम को उनको ढूंढने लगे तो वहाँ हमको कुआं के पास मिला अंगूठा और चप्पल और डंडे जी, तो उसी से हमको शक है कि कुएं में गिर गए जी। तो उसकी खोज हो रही है, क्या लगता है आपको? और लगता क्या है, उसी में हमको रुपये 90 पैसे उम्मीद थी कि है जी, लेकिन आज यहाँ पर जो दो लोग आए हैं जी, लेकिन यहाँ पर जी तो ऐसा लगा कि इसमें अब नहीं है जी। और हमारा कहना है ये जो जी, क्या मामला है, कैसे? मामला यही है कि वो मेरे नंदोई हैं जी, और आज 3-4 रोज से गायब हैं जी। मैं लोग ढूंढ रही हूँ, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मिल नहीं रहे हैं जी। हमको जिंदा या मुर्दा हमको चाहिए। संकल लग रहा है कुआं में, तो कुआं में हम लोग सब लगवाए सब पानी निकलवा रही हूँ। प्रशासन आ रहा है, देख के चले जा रहा है, प्रशासन कोई ऐसा नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि ऐसा ऐसा है कि उसी में है? उसी में है जी। यानी अन्य लोग तो आज 3 दिन से कुएं में खोज की जा रही है, खोज की जा रही है, वो गोता लोग नीचे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जी। प्रशासन अपना सरकारी वाले को गोताखोर को बुलवाएं, मेरा वो मिल जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा विप्लव सिंह नाम। पिता का नाम क्या है? मिस्टर। क्या मामला हुआ था जो आज यहाँ पे भीड़ लगी हुई है? यहाँ पे बहुत तबीयत खराब थी मेरे पापा की कई दिन से, और दवा भी चल रही थी, उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो उसके बाद सुबह से सही थी, खाना वाना खा के दोपहर में निकले इधर, तो अब पता नहीं क्या हुआ। एक दो लोगों को मिले भी तो बोले कि मैं खेत जा रहा हूँ, और फिर रास्ते में फिर वहाँ कुआं पड़ता है रास्ते में, उसके पास वहाँ गया नहीं, खेत में गया नहीं, शाम हो गई, फिर सब लोग ढूंढने लगे कहाँ गए। तो शाम में कुएं के पास उनको एक उनका गमछा मिला, चप्पल मिला, और एक डंडा वहाँ पे रखा हुआ जो लेके चलते हैं वो, क्योंकि चल नहीं पाते, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वही 3 चीज़ वहाँ मिला है कुएं के पास, और बाकी हम लोगों ने कंप्लेन भी की कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, मिल नहीं रहे हैं हम लोग। पुलिस प्रशासन के पास भी फ़ोन किया गया, उनको भी बताया गया, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं। 2 लोग आए थे, सिर्फ पैसे मायने करके देख के चले गए जी। उसके बाद से 2 दिन हो गया, आज पंपिंग सेट वगैरह लगवाया गया और पूरा पानी निकलवाया जा रहा था जी। और फिर पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, और हमारे घर पे मम्मी थी जिनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेंटली ऐसे ही डिस्टर्ब है, इतना हम लोग को परेशान है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको भी, मेरी मम्मी को भी, भैया को भी, और मेरे चाचा के 2 लड़के हैं, 4 लोगों को पकड़ के लेके थाने में बैठा लिया है। ये घटना कब की है?
ये घटना आज की है, आज पुलिस पकड़ के ले गई है तीन लोगों। नहीं नहीं, ये जो कुएं में बता रहे हैं आप, कुएं में गिर गए, कब की घटना है ये? तीन दिन पहले की। अच्छा, तो आज खोज हो रही, तो क्या लगता है आपको कि मतलब पुलिस, मतलब लोग कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कुएं में नहीं है, आपको क्या कहना है? नहीं, क्योंकि इसी में है, यहाँ से कोई इधर उधर वो जा नहीं सकते हैं, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, डंडी लेके चलते थे और डंडी वहीं पे मिली है इसके। यानी आपको पूर्ण विश्वास है कि इसी कुएं में है? हाँ, मुझे तो पूर्ण विश्वास है क्योंकि इसी कुएं में ही है। अब क्या हो रहा है, इसका निकालने का प्रयास किया जा रहा है? अभी पानी निकाला जा रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। अभी पुलिस प्रशासन आई तो बोल रही है कि हम लोग, एसओ साहब सीओ आए थे तो उनके सामने पुलिस प्रशासन आके बोल रही है कि हम लोग ये करवा रहे हैं, पानी निकलवा रहे हैं, गोताखोर बुला रहे हैं, जबकि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं, बाकी उस एसओ के सामने, सीओ के सामने वो लोग